गिरजा सिंह को याद है, रेप किया, मर्डर किया, आने की मशीन के ऊपर को दो हिस्सों में काट दिया, कितने मुसलमान और के साथ ऐसी हुई। उन्होंने उस वक्त थोड़ी देर के लिए जेल नहीं पाए, वो जम्मू भाग के गए, उनका भाग नहीं गए और भगाए गए, लेकिन कश्मीरी शर्म कीजिए, मुसलमान है वो अभी भी शर्म कीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर दो कश्मीरी भाई आपस में, भाई नहीं जो हिंदुस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करेगा, भारतीय संस्कृति को चैलेंज करो, मेरा भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ट्वीट बस में एक बार आपको सुना देना चाहती हूँ। बीजेपी सपोर्टेड वीपी सिंह गवर्नमेंट केम टू पावर इन दिसंबर 1989। पंडित्स माइग्रेशन स्टार्टेड द वेरी नेक्स्ट मंथ इन जनवरी 1990। बीजेपी डिड नथिंग एंड कंटिन्यूड सपोर्टिंग वीपी सिंह टिल नवंबर 1990। जो इस वक्त रागिनी नायक कह रही है वो यही कह रही है कि जब तक हम राज कर रहे थे तब तक कश्मीरी पंडितों का बाल भी बाका नहीं हुआ। थोड़ा तारीख का यादाश्त याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को। दुनिया में सबसे अधिक जानने वाले हिंदुस्तानियों में एक नाम जवाहरलाल नेहरू, पूरी दुनिया में सबसे प्रचलित कश्मीरी पंडित नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या किया उन्होंने? जिन्ना की टू नेशन थ्योरी का एक्सेप्ट किया, तभी तो पार्टीशन हुआ, और उसी पार्टीशन का अधूरा हिस्सा जो पाकिस्तान भी बोलता है, कश्मीर के इस्लामिस्ट भी बोलते हैं, जहादी भी बोलते हैं, वो कश्मीर है उनका एजेंडा। तो क्या किया? 370 और 35 से इस प्रकार से लगाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद वहां पे दो गज जमीन नहीं खरीद सकते थे। इंदिरा गांधी के बारे में हम जानते हैं, पर्सनल लेवल पे जानते हैं, उनको बहुत शौक था कश्मीर के अंदर एक छोटा सा घर बनाने का, लेकिन वो 370 और 35 की वजह से सोच भी नहीं सकती थी कि वहां पे हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर वो अपना एक एक घर बना सके। तो ये है आपका इतिहास। और दूसरा, जब आपने 370 और 35 के द्वारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, जिन्ना को तो पाकिस्तान दिया, और यहां पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर छोटा मोटा पाकिस्तान बना के दिया। 70 साल से कश्मीर के अंदर एक इस्लामो फैशिस्टिक वातावरण, एक व्यवस्था चल रही थी। कश्मीर जहाद बना, कश्मीर जहाद के सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू। 19 जनवरी 1990 की बात कर रहे हैं आप, किसकी सरकार थी वहां पे बताना चाहता हूं। कश्मीर की मस्जिदों से नारे क्या लग रहे थे? ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जहाद, अल जहाद। सड़कों पे लाखों कश्मीरी मुसलमान, मुझे कोई झिझक नहीं बोलने की। जब तक आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करेंगे, ये इतिहास का पन्ना कभी साफ नहीं होगा। क्या नारे लगे थे? ए कश्मीरी पंडितों, कश्मीर छोड़ दो और अपनी औरतें और बच्चे यहां पे, अपनी लड़के यहां पे छोड़ दो, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। और इसमें लेट मी कंप्लीट। और उस वक्त 19 जनवरी की रात को 1990 में वो कायर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री कश्मीर का, किसके समर्थन के साथ? कांग्रेस, राजीव गांधी की कांग्रेस के, उनका गठजोड़ था कश्मीर के अंदर। और सुनिए, जब केंद्र सरकार ने जगमोहन को भेजा, आपकी कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने हर दिन हर पल उस जगमोहन की जिंदगी हराम कर दी थी। वहां जाके ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी जहां ठहरे हुए थे, बताना चाहता हूं आपको, जिस होटल में ठहरे हुए थे, वो होटल में बाहर जेल के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन की नेवी नारे लगा रही थी, हमें क्या चाहिए, आजादी। और उसके बावजूद राजीव गांधी प्रोटोकॉल कह रहे हैं गवर्नर को, तुमने जगमोहन को इतना जलील किया कि तुमने देवीलाल को वो कुर्सी नहीं दी कॉन्फ्रेंस रूम में जो उनको जायज थी। तो ये इतिहास, जो मुसलमानों की बात करें, कौन मुसलमान मारा गया वहां पे? जो लेफ्टिनेंट फयाज मेरा आइकन है, लेफ्टिनेंट फयाज मैं उसमें मेरा आइकन है, लेकिन जो मुसलमान के हाथों मारा गया, जो जाहिल, जो जहादी, मौलवी फारूक का बाप अब्दुल गनी लोन, और वो जो जितने भी जो जो सेपरेटिस्ट थे उनको अपने लोगों ने मारा, वो शहीदों के नाम पे नहीं आएंगे। और जो मुसलमान हिंदुस्तान के नाम पे मरा उनको सलाम। और लिंग मैम, हिंदुओं का नरसंहार इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग हिंदू थे और पूरे कश्मीर के अंदर भारतीयता और तिरंगा के प्रतीक थे। एब्सोल्युटली, लेकिन अब वो तिरंगा लहरा रहा है। और अब मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे पूछूं, उससे पहले अहमद अयाज साहब, आज दिल पर हाथ रखिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए, जिनको आप मानते हैं, जिनके आगे सजदा करके 5 वक्त की नमाजें आप पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो मुझे ये बताइए, क्या नारे नहीं लग रहे थे कि कश्मीरी पंडितों या तो तुम कन्वर्ट कर लो, डर जाओ, वरना भाग जाओ, ये नारे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे आज साहब? देखिए, कश्मीरी पंडित की माइग्रेशन को हर एक अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल करता है, ये बात सही है, क्योंकि कश्मीरी पंडित कश्मीर में माइनॉरिटी में थे, लोकल पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में है,
जब सिचुएशन ऐसी हुई 90 में, वो हर एक के लिए हुई, चाहे वो मेजोरिटी कम्युनिटी थी या वो माइनॉरिटी कम्युनिटी। लेकिन झूठ बोल रहे हैं, हुआ इनके लिए झूठ बोल रहे हैं। पैदा हो गया कितने कश्मीरी मुसलमान पैदा हो गया, कितने कश्मीरी मुसलमान। और सुनिए, आपने मस्जिद पूरे शहर में बिजली नहीं थी, मस्जिदों के लाउडस्पीकर बिजली पे चल रहे थे, आपने बहकाया। गिरजा टीकू का याद है, रेप किया, मर्डर किया, आने की मशीन के ऊपर को दो हिस्से में काट दिया। कितनी मुसलमान और के साथ ऐसी गलती हुई? क्या बात कर रहा है? ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड जो अभी तक चल रहा था ना, आपको तकलीफ होती थी कि आप लोग हमें देख नहीं पाते थे। लेकिन आज ललित साहब प्लीज एक सेकंड, वो वही हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर दो कश्मीरी भाई आपस में भाई नहीं जो हिंदुस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करेगा, भारतीय संस्कृति को चैलेंज करो, मेरा भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तेरा बाप। आप सारा दीजिए, मुझसे बात कीजिए, आप एक सेकंड मुझसे बात कीजिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे मैं बात कर रहा था तो आपने बीच में झूठ कर बोलिए, डोंट प्रोवोक मी। मेरी बात, मैं तो आ रहा था बात कर। आप ठीक है आयास साहब, मेरी बात सुनिए। एक तो ये बात मत कीजिए कि जितना ये लोग झेले हैं उतना हम झेले, इट्स अ लाई, झूठ है ये। आप में से कोई भी माइग्रेट किया नहीं, आप में से कोई भी तंबुओं में रहा ऐसा नहीं, क्यों झूठ है? हाँ बताइए, हाँ बताइए, हम उसे ज्यादा जी रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कौन कौन रहा तंबू में, कितना टाइम रहा तंबू में, बताइए ना। हाँ बताइए, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने वो थोड़ी, उन्होंने उस वक्त थोड़ी देर के लिए जेल नहीं पाए, वो जम्मू भाग के गए, उनका आशीर्वाद नहीं गए और भगाए गए। लेकिन कश्मीरी शर्म कीजिए, मुसलमान है वो अभी भी, शर्म कीजिए, सच्चाई धर्म की है। आज नहीं तो कल आपके सामने आ जाएगी, शर्मसार हो जाओगे।